नमस्कार। तो आप सभी देख रहे हैं TLR। आखिर तीन दिन, आज तीसरा दिन है सफाई कर्मचारी और अदर देन का जो यहाँ पे प्रोटेस्ट और जो उनका काम छोड़ो हड़ताल पे जो यहाँ पे बैठ चुके हैं, ये आज तीसरा दिन है। और मैं आपको बताऊँ तो कहीं ना कहीं डोडा डिस्ट्रिक्ट में इसका प्रभाव भी जो है वो देखने को मिल रहा है। और किस तरह देखने को मिल रहा है, क्योंकि पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट में, पूरे डोडा टाउन में सिर्फ गंदगी ही गंदगी इस समय हमें देखने को मिल रही है और कुछ भी हमें इस समय देखने को नहीं मिल रहा है। और आज तीसरा दिन, आज फिर से ये सड़कों पे उतरे हैं, काम छोड़ो हड़ताल ये, और नारेबाजी यहाँ पे जो है वो किए जा रही है। और इनकी तरफ से जो नारे हैं वो ये भी नारे लगाए जा रहे हैं कि गवर्नर तेरे राज में अंधेरा ही अंधेरा है। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इनको आज तीसरा दिन यहाँ पे हो चुका है बैठे हुए, तीसरा दिन से यहाँ पे अपनी मांगों के लिए लगे हुए हैं। आज तीसरा दिन है, पूरे चिनाब वैली में, सिर्फ डोडा डिस्ट्रिक्ट में नहीं, रामबन से लेके किश्तवाड़ तक हर जितने भी सफाई कर्मचारी और अदर देन है वो इस समय बैठे हुए हैं, अपनी स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आप मुझे बताएं, आप इस समय नारेबाजी कर रहे हैं गवर्नर तेरे राज में अंधेरा ही अंधेरा हो, आप मुझे बताएं सर, आज तीसरा दिन है, कोई आश्वासन या कोई कुछ आपको अभी तक कोई प्राप्त हुआ है? कोई आश्वासन नहीं मिला है, हालांकि यहाँ तक कि कल डायरेक्टर साहब ने हमको बुलाया था, मगर वहाँ से भी हमें अंधेरा ही दिखाई दिया है। कोई आश्वासन, सिर्फ आश्वासन दिया गया है कि 10 दिन का टाइम दे दो, मगर हमने डायरेक्टर साहब से बोला है कि कोई 10 दिन का टाइम नहीं, एक हाथ दो तो एक हाथ लो जी। आप मुझे सिर्फ इतना बताएं, क्योंकि आज पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट, पूरे टाउन की जो हालत बनी हुई है, सिर्फ गंदगी ही गंदगी देखने को मिल रही है, उसके बाद भी कोई आपको कहा नहीं गया कि आप वापस काम पे आ जाएं, या कोई दूसरी बात कही होगी कि आप यहाँ पे काम वापस शुरू कर दें तो हम आपको जल्दी परमानेंट, या आपकी मांगे जो हैं वो पूरी कर? हमारे ऑफिसर ने बताया है कि आप काम पे आ जाओ, हमने इनको इतना भी बता दिया है कि नहीं, हम काम पे नहीं आएंगे, जितनी देर तक हमारा मसला हल नहीं हो जाए उतनी देर तक हम काम पे नहीं आ जाएंगे। म्युनिसिपलिटी के चेयरमैन जी, उनकी तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया गया? वो हमेशा कहते हैं वो वर्करों के साथ हैं, सबके साथ हैं, क्या उसके बावजूद भी उनकी तरफ से कोई आपके साथ वो खड़े नहीं हुए इस समय? खड़े तो नहीं हो गए, मगर उन्हें इतना बता दिया है कि आप एक काम करो कि थोड़ा सा टाइम दे दो। हमने उनको इतना भी बता दिया, हमने बोला कि कोई टाइम नहीं मिलेगा अब, क्योंकि हमने डायरेक्टर को टाइम नहीं दिया है तो चेयरमैन को कहाँ से टाइम दे देंगे। तीसरा दिन है आज, उसके बाद भी आपको कुछ लगा है कि एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आ रही है? नहीं, कुछ भी नहीं, हमारे पास तो कोई आया नहीं है, हम क्या बोल देंगे, हमारे पास कोई नहीं। हाँ, इतना बोलते हैं कि हमारे पास आ जाओ, मगर हम किसी के पास नहीं जाएंगे, जिसने आना होगा वो हमारे ऑफिस में हमारे पास आए, हमारे दरे पे बैठ के, नीचे बैठ के हमारे से बात करें, जो भी बात करनी। क्या गंदगी यहाँ डोडा डिस्ट्रिक्ट को इस तरह एडमिनिस्ट्रेशन रखेगी? सर, हम भी नहीं चाहते हैं कि गंदगी यहाँ रहे, मगर मजबूरी है हमारी, क्योंकि 6,000 आपको बखूबी जानते हैं 6,750 में क्या बनता है। हाँ, अगर ये हमारे आला अफसर मानते हैं कि हम 6,700 में अपना घर चला के दिखाएंगे, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमें कोई एतराज़ नहीं, हम हड़ताल उठाएंगे अगर ये घर चला के दिखाएंगे, चाहे उसमें डीसी साहब हो, चाहे इसमें कोई भी ऑफिसर हो, अगर वो 6,700 में घर चला के दिखा सकते हैं हमें एक महीने में, तो हम हड़ताल उठाने। एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कहते हैं, क्या अपील करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा मसला हल करें। और क्या, आज तीसरा दिन है, उसके साथ क्या आपको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह के कदम लेने चाहिए या सामने आना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेशन को कदम उठाना चाहिए हमारे बारे में, क्योंकि बखूबी जानते हैं कि 6,700 रुपये तनख्वाह है, उसमें क्या बनता है। 15-15, 20-20, 25-25 साल से कैजुअल लेबर काम कर रहे हैं सफाई कर्मचारी का, अदर देन का, मगर आज तक तो मसला हल ही नहीं हुआ है। ये तो गवर्नर के हाथ में है, डीसी साहब के हाथ में। बनने के बाद यूटी रेट भी नहीं दिया गया, उस पर क्या है? वही तो मैंने कल भी यही बता दिया है कि 5 अगस्त 2019 में यूटी का दर्जा खत्म, ये स्टेट का दर्जा खत्म करके यूटी बनाई गई है, तो उसके बावजूद अगर दूसरे यूटीयों में रेट जो है वो JNK में लागू क्यों नहीं है? हमारे गृह मंत्री साहब पिछले महीने जम्मू में भी आए थे, उन्हें वहाँ भी बताया कि दफा ये सफाई कर्मचारी एक्ट हमने लागू कर दिया है, ये मिनिमम एक्ट लागू कर दिया है, कहाँ है? ज़मीनी सतह पे तो हमको, हमें नहीं है, एक तो बोलने से हो गया ना, बोल दिया है, मगर ज़मीनी सतह पे उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो ना हमें मिलता है। अब यही है कि ये आर पार की लड़ाई है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, आज भी बता रहा हूँ, ये आर पार की लड़ाई है, एक हाथ ले एक हाथ दे,
ये हड़ताल तभी उठेगी ये एक साइड से परमिट करेंगे या मेन मोर्चा करेंगे। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे सफाई कर्मचारी और अदर देन जितने भी यहाँ पे हैं, तीसरा दिन आज इनका शुरू हो चुका है प्रोटेस्ट, जो इनकी स्ट्राइक है वो कंटिन्यू चल रही है और पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट के साथ पूरे चिनाब रीजन में रामबन से लेके किश्तवाड़ तक इस समय जो हालात है वो गंदगी में, इस समय पूरा चिनाब वैली जो है वो डूबा हुआ है और उसके बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन के कान पर कोई जू नहीं रेंग रही और इस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। यहाँ कोई भी मैं आपको विजुअल्स दिखाऊँगा, विजुअल्स जो है वो आपको शो होंगे स्क्रीन पे, वो आप देखें डोडा डिस्ट्रिक्ट में किस तरह की जो गंदगी है वो है और सबसे ज़्यादा गंदगी जो है पब्लिक एरिया में हमें देखने को मिल रही है, जहाँ से ज़्यादा लोगों का गुजरना होता है, ज़्यादा लोगों का आना जाना होता है, बीमारी का सबसे बड़ा कारण हो सकती है ये गंदगी। और इस समय जिस समय की कोविड के समय से हम गुजर रहे थे और साथ में अभी नए नए जो वायरेंट वगैरह ओमिक्रोन वगैरह हमें देखने को केसेस जो मिल रहे हैं, तो इन चीज़ों से खतरा जो है वो बना रहता है, ये खतरा जो है वो बना रहता है और इसी से एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ ना कुछ जो है वो संकल्प लेना पड़ेगा, कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ेगा और जल्द से जल्द जो बाकी लोग हैं आम लोग हैं वो इस के बीच में क्यों सफ़र हों। कुछ ना कुछ आप देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ क्या जो फैसला आता है, यहाँ क्या फिर किया जाता है, हम आप तक सारी रिपोर्ट पहुँचाएँगे। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त।